मैंने उद्योग मंत्री जी से बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सॉल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने की संभावना है। कैबिनेट ने फैसला कर दिया है ना, और कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी एक महीना हमारी सरकार को हुआ है, हमने 1500 रुपये के लिए जो अपनी महिलाएं हैं जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है, उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जिसने 11,000 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का देना है, 75,000 करोड़ का कर्ज है, 900 संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 का कर्ज और लगा दीजिए। तो इस सरकार, पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे और सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के कर्जे के बोझ के नीचे दबा रखा है। इससे निकलना है, इस वस्तु स्थिति से हम दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और हमारा जो कार्य काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। हम कार्य कर रहे हैं, जल्दी ही हम और जो हमने गारंटी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग की है, जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहाँ सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नरों से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। कब तक सरकार रहेगी? भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएंगे। सर, राहुल गांधी भी विशेष तौर पर